मेरी हाँ जी दादा, तो हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि बीच में गड़बड़ हो जाए ना तो मेरे को बता देना, क्योंकि आज वो ब्रॉडबैंड बंद है और BSNL का नेटवर्क कितना काम करेगा देखते, आज इसकी परीक्षा जी दादा, है। लाइटें नहीं आ रही आज सुबह से, पता नहीं क्या कुछ काम चल रहा है क्या। जी, तो आज इसकी परीक्षा है, देखते हैं BSNL कंपनी पास होती है कि नहीं। पिछली क्लास में हमने जाना था कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर है, और वो हमारे मुंह के अंदर खाने में प्रवेश करता है तो क्या हमारे पास फंक्शन है जिससे हम उसको निराकरण कर सकते हैं या उससे बचने का कोई प्रकल्प कर सकते हैं। तो कान के पास में एक पैरोटिड ग्लैंड है, ये ग्लैंड जैसा कि यहाँ दिख रहा है चित्र के अंदर, पैरोटिड ग्लैंड का ये चित्र बना हुआ है, और ये कान के जस्ट पास में एक ये गोल सी गुब्बारे से जैसी संरचना एक दिख रही है जिस पे एरो लगाया हुआ है, और इसका जो ये तो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड का जो पैरोटिड डक्ट, इसमें जो ये नीचे की जो पूंछ निकल हुई, पूंछ सी निकली हुई है, बस यही पार्ट आगे घूम करके ये पैरोटिड डक्ट कहलाता है, और ये दांत के ऊपर की तरफ ऊपरी भाग में जाके खुल जाता है। तो ऊपरा जो तालू है हमारा, ऊपरी भाग का जो तालू है दांतों के ऊपर की साइड में, तो जो भी देखिए मेडिकल में एक जो भी वेन्स या नली समझ लो, जैसे पानी की टंकी से अपन नली लगा के कहीं पानी को पहुंचा रहे हैं, तो ये जो 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 नली वाला पार्ट है, पानी पहुंच रहा वो नहीं, ये जो नली है वो क्या कहलाती है मेडिकल में, डक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। डक्ट का बोला जाता है उसको, नली नहीं बोलेंगे, या उसको इंग्लिश में उसको नाम जो है वो नहीं बोलेंगे, डक्ट बोला जाता है। तो ये जो डक्ट है आगे जाकर के इसके ऊपर बक्कल कैविटी में खुलती है, और दांतों के ऊपरी भाग के अंदर आप देखेंगे तो ये वहां पर जाकर ये खुलता है, जीभ के ठीक सेंटर वाले भाग के ऊपर, जस्ट जीव को जहां सेंटर रहता है बीच में मुंह का, जस्ट ऊपर की तरफ से ये इसका ये नली खुलती है या डक्ट खुलती है। तो ये जो डक्ट खुलती है यहां पर, जैसे ही ये गिरता है और उसके बाद में जीव क्या करता है, जीव का कार्य क्या है, इसको उधर उधर फैला देना, सर्कुलेशन पूरे मुंह के अंदर फैला देता है, जीभ मंथन करता है ना, तो ये लार जैसे मुंह जब तक हिलाएंगे नहीं जब तक ये इसमें से लार नहीं निकलेगी, जैसे ही अपन इसको देखिए मुंह ऊपर करिए पूरा खोलिए, पूरा खोल करके देखेंगे तो ये जो कान के पास ये जो संरचना है यहाँ पे गड्ढा पड़ जाता है, मतलब ये जो ग्लैंड है ना ये दब जाएगी, गड्ढा पड़ेगा तो ये दबेगी, दबेगी तो क्या होगा, इसमें दबाव के कारण वो डक्ट में से जो रस है वो अंदर, वो मतलब जो भी है वो डक्ट में से निकल करके मतलब डक्ट में चला जाएगा, और डक्ट से जब अपन वापस मुंह को बंद करेंगे
एक बार खोलेंगे और बंद करेंगे, बस एक बार खोलते जाओ बंद करते जाओ, खोलते जाओ बंद करते जाओ, उतनी ज्यादा ये लार बनती चली जाएगी और उसमें निकलती चली जाएगी। ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया भगवान ने, सब कुछ ऑटोमेटिक है। तो जितनी बार मुंह चलाएंगे उतनी बार लार बनेगी, लार बनेगी तो सीधी ये खुलेगी जीभ के ऊपर। जीभ का काम क्या है, फैला देना इसको, चारों तरफ फैला देगी दांतों के अंदर। तो आंतरिक भाग में दांतों के कीड़ा नहीं लग पाता, क्यों? क्योंकि लाइसोजाइम में ये रुकने नहीं देगा, मर जाएगा कीड़ा। मतलब कीड़ा जो दांतों में लगते हैं ना कईयों को, वो बीमारी ये हमेशा दांतों के बाहरी भागों में अक्सर कर हुआ करते हैं। लेकिन अब आप कहोगे बहुतों के तो हमने अंदर भी देखा है, पूरा अंदर तक खा जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। तो ये उसकी कैविटी है, ये उसकी जो पिछला भाग, पूंछ समझ लो एक तरह से, ये जो पिछला भाग जो आगे से लगता आगे से है, पीछे तक जाता है बाद में, पहले बाहरी भाग को ही खराब करता हो। क्योंकि अंदर तो जीभ है, और बंदर को देखिएगा तो ये बंदर क्या करता है, जीभ को घुमा घुमा के ही बाहर की तरफ खाना खा के। आपके पास तो ब्रश है, आप ब्रश से रगर के दांत साफ करते हैं, वो मुंह से अमरूद के पत्ते दे दो उसको, चबा लेगा, जहां पर भी मिल जाएगा, और चबा करके उसी पत्तों का रस और उसी से ही वो जीभ को आगे घुमा के बाहर निकाल के आगे से अंदर से ऊपर से नीचे से दांतों को साफ कर लेता है। क्योंकि उसको पता है कि इससे दांतों में कीड़े नहीं लगते, हमको तो पता ही नहीं है। इस तरह से जो क्रम चलता है उसके लिए एक स्वास्थ्य का एक अच्छा सिलसिला बनाए रखता है, और वो जीवन पर्यंत उसके दांत स्वस्थ रहते हैं। और मानव के पास में थोड़ा मामला उल्टा है, मानव ब्रश करता है और दांत के ऊपर जो एनिमल होता है उसको घिस घिस के साफ कर देता है, जो एनिमल उसका सुरक्षा कवच होता है दांतों का, और उसको घिस दिया जाता है आदमी के द्वारा और मनुष्य के द्वारा। और घिसा हुआ दांत जो है जब खुल जाता है तो उसको कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो भी जकड़ सकता है, पकड़ सकता है। और घिसता भी अंदर से नहीं है, वो बाहर से ही घिसता है, रगड़ रगड़ के जम के। सर एक बात पूछ लो, अभी से पूछोगे? मैं ये पूछती हूँ कि आपने बोला ना कीड़ा नहीं लगता, ये लार से नहीं लगता? नहीं, लार तो देखिए लार उसके जीवन काल को समाप्त कर देती है। अच्छा, लाइसोजाइम होता है ना, ये एंजाइम खतरनाक होता है, तो पहले कहीं लगा हुआ है अंदर की तरफ, जब तक उसके अंदर लार घूम रही है मुंह में, और ये पेरोटिड वाली जो लार है वहां पहुंच जाएगी तो वहां कीड़ा नहीं लगेगा, राइट? उसकी लीला ये समाप्त कर देते हैं। ये आपके पास ब्रह्मा जी का वरदान है, लेकिन अब क्या करें, सो वरदान को जहाँ वरण होना चाहिए हम हरण कर रहे हैं। एक और ब्रह्मा जी का वरदान होता था जिससे दांत को हमने ब्रश लगा के घिस घिस के उसका वरण की जगह हमने हरण कर लिया, उसको एनामिल बोल करके उसको हटा दिया, दांत को चमका दिया, मोतियों वाले दांत चमकाने के चक्कर में। तो पहले आप देखिए, जब ब्रश नहीं था हम लोग उंगली से करते थे दातुन, तो भारत की आजादी से पहले किसी भी डॉक्टर को जानता था या कोई डेंटिस्ट को?
डेंटिस्ट नाम ही नहीं सुना था लोगों ने, कईयों ने तो, वो डेंटिस्ट क्या होता है ऐसे पूछते हैं कई बार, तो पुरानी पीढ़ी के लोग वो पूछते हैं डेंटिस्ट क्या होता है, आज के बच्चे को भी पता डेंटिस्ट क्या होता है वो बता देगा। तो जब से ये ब्रश आया और जब से पेस्ट आया, जब से डेंटिस्ट की भी जरूरत पड़ गई, क्योंकि हमने घिस घिस के उसको भगा दिया है ना बिल्कुल। और जो दांत का सुरक्षा कवच था और ये लाइफ टाइम लोगों के साथ रहता है, और ये शरीर का वो सबसे मजबूत हिस्सा है जो बड़ी मुश्किल से घिसता है, उसको भी हम घिस डालते हैं, क्योंकि ब्रश है, ब्रश तो ऐसे चल रहा है जैसे हथौड़ा चल रहा हो। तो ये है कहानी दांतों को चमकाने की। हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये बात आपको बीमारी से जुड़ी थी इसलिए मैंने आपको बता दी, समझ में आ गई होगी कहानी सारी, क्या करना है वो आप जानो। तो आगे बढ़ने का क्रम करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड होगी एक, तो ये आपके खाने में सहयोग करती है, आपके जहरीले विषैले कंटेंट को ये समाप्त कर देती है, उनकी लीला समाप्त कर देती है। उसके बाद जो है सेकेंड वन ग्लैंड आती है। तीन ग्लैंड मुख्य रूप से हैं। एक और ग्लैंड लेते हैं यहां पर, सब मैंडिबुलर, ये जो सब मैंडिबुलर है, ये जो ग्लैंड है ये एकदम इसके गले के पास में है ये, राइट। तो ये जहां खुलती है ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये कहाँ खुलती है, ये केवल और केवल ये यहां से शुरू होकर के गले के शुरुआती भाग से, तालू से शुरू होकर के, ये जो दो दांत है ना आपके जिससे काटने का काम करते हैं अपन साइड में, नीचे वाले, ये नीचे वाले दांतों के पास में इसकी डक्ट खुलती है, जिससे वहां से वो रस इकट्ठा होकर के जब भोजन को काट लिया जाता है, पका मतलब जो उसको चबा लिया जाता है, तब वो चबे हुए लेस में, उसमें लेस बनाने का काम करती है ये वाली लार ग्रंथि, और जिससे गले में निगलने में आसानी हो सके। तो ये नाली के अंदर जैसे पानी डाला जाता है ऐसे वो यहां से ग्लैंड की वो जो नलियां हैं डक्ट, तो ये निकल करके और इसमें मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद में इसको अंदर निगल लिया जाता है हमारे द्वारा, चाहे सूखी से सूखी रोटी है और रेगुलर आप चबाते जा रहे हो तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। जैसे भिखारी लोग कड़र पड़र तीन चार दिन पांच दिन पुरानी सूखी रोटियां ही चबाते रहते हैं तब भी वो स्वस्थ रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि ये एक्टिवेट होती हैं सारी ग्रंथियां, वो बंदा चबाता रहता उसके मजे लेता रहता, वो उसमें भी वो मिठास ढूंढ लेता है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसके पास और कुछ है ही नहीं खाने को, आपके पास आपकी तरह 36 भोग नहीं, और उससे वो हमेशा फिट रहता है, स्वस्थ रहता है। और हम लोग 36 भोग खाने के बाद में भी अस्वस्थ रहते हैं, क्योंकि हम लोग ठीक से चबाते नहीं और वो सीधा वो चबाने का काम करता है, फर्क उसमें इतना है। तो राजा और रंक में फर्क इतना ही है, तो रंक जो है बीमार होता नहीं है, राजा बीमार होता है। एक और ग्लैंड होती है जिसका नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड, ये भी ग्लैंड जो है यहाँ पर ही है, ये मुंह के अंदर नीचे वाले भाग में, और ये भी लगभग ये जो दांत हैं इनके नीचे साइड में डक्ट खुलती, ये जो इसका जहां एरो दे रखा सब लिंगुअल ग्लैंड का, ये देखिए ये जो ग्लैंड का आगे मुंह की तरफ जो हल्का सा भाग जा रहा है ये दांतों में खुल रही है, ठीक है। तो ये क्या करती है, स्टार्च को पचाने का काम करती है, स्टार्च। तो हम जो खाते हैं खाने में जो स्टार्च होता है उसका पाचन यही करती है।
स्टार्च को पचाने में, या मीठा कोई भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो कुछ भी है तो उसको पचाने में ये काम करती है। यहां से यदि पाचन नहीं हो पाता है और ये सीधा ये वाला पार्ट, ये वाली जो लार है, ये एंजाइम जो निकालती है, ये यदि सीधा अंदर चला गया, मतलब और खाना सीधा अंदर चला गया इसके बिना, तो उसका पाचन नहीं होता। फिर वो क्या होता है, उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, उस मिठाई का भी पाचन नहीं होता, और अंदर जाकर के वो क्या करता है, कमर को कमरा बना देता है। फैट जो कलेक्ट होता है बॉडी के अंदर, इसी मीठे से होता है। तो कहते हैं ना, मीठा खाने से वजन बढ़ता है, ये वजन ऐसे बढ़ता है। यदि उस ग्लैंड का रस उसमें पूरा बराबर मिक्स हो गया होता तो उसका पाचन अच्छे से हो जाता, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन ये खाना हमने खा लिया, और ऐसा खाना खा लिया और जम के पेट भर के खा लिया, तो आपको खाना खाने के बाद में हमेशा अक्सर कर लगता है नींद आ रही है। ये नींद आती ही इसी वजह से, क्योंकि ये वाली ग्लैंड का एक्टिवेशन कम हो गया है, है ना, तो नींद आ रही है। और ये अच्छे से इसके अंदर इसका जो रस है, ग्लैंड का जो निकला हुआ रस है, उसमें खाने में अच्छा इन्वॉल्व हो गया, तो आपको नींद नहीं आएगी, एनर्जी मिल जाएगी, तुरंत एनर्जी देता है। इसका संबंध ये है और इसका राज ये है, हाल मैंने आपके सामने खोल दिया। तो जनरली इतनी बारीकी से कोई चर्चा करता नहीं है, क्योंकि करना ही नहीं है, हमें तो खाली ये पढ़ना है कि भाई तीन ग्लैंड हैं, तीनों ग्लैंड से ये होता है, और खाना ये चबाया, और ये जो हमारी सब मैंडिबुलर है, इस ग्लैंड का जो पाचक रस निकला और ये एंजाइम निकला है, और मुंह में खाना को लिस लिसा बना करके गले के अंदर उतार देता है। फिर ये गले में उतरता है तो यहाँ पर दो नलियां दे रखी हैं नीचे की तरफ, है ना, खाना ये आ गया गले के अंदर, जो ये नली के अंदर प्रवेश कर गया है, तो इस नाल को क्या बोलेंगे हम, ओरोफेरिंग्स। क्या बोला इन्होंने, इसोफेगस नहीं, ये ऊपर ऊपर देखिए पैरोटिड ग्लैंड लिखा है ना, इसके नीचे क्या लिखा, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, तो एरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स जो है इसके अंदर इसको ये प्रवेश करना होता है, ठीक है। ओरोफेरिंग्स के अंदर जैसे ही अपन खाना खाए हैं, खाना मुंह का इधर गया, ओरो का मतलब ओरल यानी मुंह वाला हिस्सा, ओरल ओरल कैविटी बोलते हैं ना, मुंह की कैविटी का मतलब खाली जगह, ओरो कैविटी, तो या मुख गुहा जिसको बोलते हैं, खाली जगह, खाली गड्ढा जो मुंह का होता है, जहाँ पर खाली वाला भाग, जहाँ पर भोजन को हम चबाते हैं, घुमाते हैं, उसका मंथन करते हैं, जैसे सागर मंथन हुआ था ऐसे मंथन करते हैं, तब जाके उसमें से कुछ निकलता है और फिर हम उसको एनर्जी के रूप में शरीर काम में ले लेता है। तो ये हुआ ओरोफेरिंग्स, राइट। यहाँ पर आने के बाद में भोजन यहाँ पर आता है, फिर इसके बाद में ये जो नीचे नाल उतर रही है, ये नली का नाम क्या है, यहां पर लिखा है लैरिंगो फेरिंग्स, ये लैरिंगो फेरिंग्स है, ठीक है। फिर ये आ जाता है, भोजन कहाँ आ जाता है, लैरिंगो फेरिंग्स में, ये नीचे की तरफ। अब और नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा,
एक तो सांस की नली है और एक खाने की नली है, तो एक में सांस की नली, दूसरी खाने की नली। तो ये लारिंग्स कहलाएगी, ठीक है। ये वाला जो भाग है लारिंग्स कहलाता है, ये आगे वाला, ये हो गया लारिंग्स। क्या हुआ? लारिंग्स। और अब देखते हैं इसके नीचे क्या है। यहाँ पे लेरिंग्स के अंदर ही ये हल्का सा फिर नीचे डिवीजन है, और खाना जो है यहाँ भी एक एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस। उसको यहाँ पर एक पहरेदार बिठा के रखा है ऊपर वाले ने। उसका काम क्या है? उसका काम ये है, क्योंकि ऊपर से नली तो एक ही आई है, खाने की और सांस की नली एक ही है। कभी कभी हम लोग खाना जल्दबाजी में खाते हैं तो सांस में अटक जाता है, फिर हमको खांसी आती है, नाक से, मुंह से, आंख से, सब तरफ से पानी निकल आता है। तो ये जो कंडीशन है, यहां पर बैठा हुआ एपिग्लोटिस, वो क्या करता है? वो ऐसा पुलिस वाला है चौराहे का, वो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो ये देखता है कि ये तो, ओहो, ये तो भोजन नली का आइटम है। तो वो क्या करता है? सांस की नली पे आके बैठ जाता है, तो सांस हमारी रुक जाती है, तो फिर वो भोजन की नली में चला जाता है भोजन, ठीक है। और जैसे ही हम सांस लेते हैं, भोजन का काम खत्म हो गया, तो फिर ये भोजन की नली को बंद कर देता है, उधर हवा नहीं चली जाए इसीलिए, तो फिर क्या करता है? ये उधर जाके बैठ जाता है। और ट्रैफिक इधर जाओ ऐसा करके इशारा दे देता है, तो हम लोग सांस लेने लग जाते, तो हमारे सीधा फेफड़ों में चली जाती है एयर। कहाँ जाती है? एयर फेफड़ों की तरफ जाती है। तो ये जो एयर जहाँ नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पर रिंग रिंग गोल गोल कुछ बना हुआ है, दिख रहा है? इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। अभी ये हमारे काम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये ट्रेकिया, और ये जो पढ़ने का समय आएगा उसको बोलेंगे दूसरा वाला सिस्टम है, वो अभी इसमें काम नहीं कर रहा है, तो हम इस पर विचार अभी नहीं करते, इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं। अब हम सिर्फ विचार करेंगे खाने के ऊपर। तो ये गया ईसोफेगस में, कहाँ गया खाना? ये देखिए, ये जो नली आई है उसका नाम क्या है? ईसोफेगस। तो ये जो डक्ट है या नली है, इसको बोलेंगे ईसोफेगस। इसके अंदर खाना उस पहरेदार ने सांस नली के ऊपर जाके बैठ गया है, वो पुलिसमैन, तो सांस नली, तो सांस तो हो गई बंद, भोजन इसके अंदर आ गया। भोजन कैसे चलता है यहाँ पर? वहां से आकर क्या सीधा आकर के धड़ाम करके नीचे गिर जाता है? नहीं, पेट में वो धड़ाम करके नीचे नहीं गिरता, बल्कि जैसे अपन पेस्ट निकालते हैं दांत मंजन से, है ना, उस पेस्ट की तरह ये काम करता है। क्या करता है? पेस्ट की तरह, यानी पीछे वाली नली दबती है फिर खाना आगे सरकता है, फिर पीछे वाली दबती है फिर खाना आगे सरकता है, फिर पीछे वाली। तो इसको पैरालिस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और ये कहाँ से चलता है ये सारा काम? ये जो पैरोटिड ग्लैंड लिखा है ना, इसके पास के अंदर एक और भाई साहब बैठे हैं, उनका नाम है मेडुला ऑब्लॉगाटा। इस चित्र में नहीं दिखा हुआ है, वो ब्रेन का हिस्सा है। क्या नाम है उसका? मेडुला ऑब्लॉगाटा। तो ये जो मेडुला ऑब्लॉगाटा है, इससे ये बॉडी के अंदर जितने भी पैरालिस्टिक मूवमेंट हैं वो सारे ही चलते हैं, चाहे हाथ के अंदर हो चाहे कहीं और में, जहां पर भी होता है सब यही चलता है। यूरिनरी ट्रैक में भी यही होता है, भोजन के अंदर भी यही होता है। तो ये सारे सिस्टम ऐसे ही चलते हैं मेडुला ऑब्लॉगाटा द्वारा। जब वो भाई साहब काम करना बंद कर देते हैं बुढ़ापे के अंदर, वो उनमें ड्राइनेस आ जाती है, तो आदमी सूसू पोटी सब कुछ बिस्तर में करने लग जाता है, उसको पता ही नहीं रहता कब निकल गया। तो सिग्नलिंग सिस्टम खत्म, काम खत्म, वर्किंग प्रोसेस खत्म। तो
तो ये जो है इसोफेगस, ये पीछे से दबेगी और आगे की तरफ मुंह हो जाएगा भोजन, फिर पीछे से दबेगी आगे हो जाएगा, फिर पीछे से दबेगी आगे हो जाएगा, ऐसे करके ये आकर के कहाँ कहाँ जाएगा, स्टमक। ये गोल गोल दिख रहा है ना पेट, ये पेट स्टमक लिखा हुआ है, स्टमक के पास में एक स्प्लीन नामक कंटेंट दे रखा है। स्प्लीन देखिए, ये स्प्लीन बोलते हैं ना, कहाँ है ये रहा, स्टमक के पास। अब ये जो नली आई और ईसोफेगस की, ईसोफेगस तो ऊपर रह गया, लेकिन जहाँ स्टमक के अंदर नली जुड़ती है, ये जो नली का भाग है ये कार्डियक कहलाता है, क्योंकि ये हार्ट, यहाँ पे हार्ट की संरचना रहती है, हार्ट के पास का हिस्सा है। तो ये एक वाल लगा रहता है, वो कार्डियक वाल्व कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियक वाल्व। क्यों है कार्डियक वाल्व? क्योंकि हार्ट के पास में है ये, तो हार्ट को क्या बोलते हैं हम, कार्डियोलॉजी बोलते हैं ना, उसका अध्ययन, हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। डॉक्टर को क्या बोल रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, अध्ययनकर्ता को कार्डियोलॉजिस्ट। और जो प्रॉब्लम होती है तो क्या बोलते हैं, कार्डिक प्रॉब्लम। तो ये जहां जो वाल लगा रहता है, ये तभी खुलेगा जब पेट के अंदर, बिल्कुल ऐसा तीन पार्ट वाला वाल है, तीन पार्टों में बटा हुआ वाल होता है। ये खाना जैसे ही आता है और ये वाल खुल जाता है और ये सीधा स्टमक में आके दम करके गिर पड़ता है, मतलब जोरदार नहीं गिरता। और ये स्टमक जो है, ये जैसे हार्ट पंप करता है ना, हार्ट, हार्ट की जो मसल्स है, हमारे तीन प्रकार की बॉडी में मसल्स हैं, तो ऐच्छिक पेशी है और एक अनैच्छिक पेशी है। एक ऐसी पेशी है जो हमारा शरीर के बाहर के हिस्सों में काम करता है ना, ऐच्छिक पेशी, वो हाथ की होती है, मसल्स हो गई है ना, हाथ की मसल्स हो गई, पैर की मसल्स हो गई, तो वो सारी वो ऐच्छिक है, जो हमें हमारी मर्जी से चलती है, हमने हाथ उठाया, यस लेफ्ट राइट करके चलने लगे वो। लेकिन ये जो है ना कार्डियक मसल्स जो हैं, कार्डियक मसल्स वो हार्ट के वाले भाग के अंदर मसल्स होती है। और एक मसल्स ये होती है जो हमारे ये जो बॉडी है ना, बॉडी इसको दबाती है, फिर ये खाना उधर सरक गया, फिर दबाया पेरलेस्टिक मूवमेंट के लिए, फिर खाना सरक गया, ये अनैच्छिक है, ये हमारी इच्छा से नहीं चलती। वो मड्डा मेडुला ब्लांकाटा है ना, वो भाई साहब जो बैठे ऊपर, वो ऑर्डर करते हैं कि भाई इसको आगे बढ़ाओ, तब ये चलते हैं। कुछ अपनी इच्छा से चलती है, कुछ दूसरे भाई साहब के आदेश पे चलती है। तो जो हमारे हिसाब से चलती है वो हमारे बाहरी मसल्स हैं, ये जो हमारी हाथ पैरों की है। और ये इंटरनल है, वो 24 घंटे, आप सो जाओगे तो आपका हाथ पैर ये सब मूवमेंट में नहीं है, वो रिलैक्स मोड में है। तो ऐच्छिक पेशियों को आप रिलैक्स करा सकते हैं, लेकिन अनैच्छिक पेशियों को आप रिलैक्स मोड में नहीं लाते, वो अपने आप ही रिलैक्स हो सकती है, या ब्रेन में कुछ भी सोचेंगे और वो एक्टिवेट हो जाती, ब्रेन में कुछ भी एक्टिविटी हुई और वो एक्टिवेट हो जाती वो मसल्स। तो जैसे ही हमने खाना देखा, जैसे पानी पताशे देखे और मुंह के अंदर पानी टपकना लाल चालू, टपा टप राइट, तो चटकारे लेते जाओ और पानी पताशे के मजे लेते जाओ। अभी तो मैं चित्र भी नहीं दिखा रहा हूँ, बिना उसके ले लो। तो जैसे ही करोगे ना, आप फील करोगे पानी पताशे, तो ये सारी जो मसल से वर्किंग में आ जाएगी, आप देखोगे मुंह के अंदर पानी आने लगा है। हाँ, क्या कहना। तो केवल सोच से होता है ये, देखो ब्रेन ने सोचा और इससे काम हुआ और मुंह के अंदर पानी आ गया, वाह। तो ये ऐच्छिक पेशियां नहीं है, अब ये अनैच्छिक है, हमारी इच्छा से नहीं हुआ है, मैं चाहता नहीं था लेकिन आ गया है, क्या करें। तो बिना सोचे समझे कुछ भी हो गया।
तो ये जो मसल्स हैं ये ही इसको पीछे से दबाती हैं खाने को, उसको पता है मसल्स को आगे बढ़ाना है, खाने को पीछे से दबाती जाएंगी और पैलेस्टिक मूवमेंट आगे बढ़ता जाएगा और ये मूवमेंट आगे जाके कार्डियक हेलो हेलो, जी आवाज आ दादा। रही है? हाँ जी हाँ दादा, आ जी, रही है। ओके, थैंक यू। वो फोन जब आता है ना दादा तो उसको डिक्लाइन कर दिया कीजिए, बाद में आपके डिग्री कॉल रिकॉर्ड में रहेगा। नहीं तो क्या होता है, यहाँ सब दिखता रहता है आपका, सब नंबर, आप किससे बात कर रहे हैं सब पता चलता है। पता तो चले, लेकिन वो उसमें डिक्लाइन का ऑप्शन ही नहीं आया था। डिक्लाइन का ऑप्शन हम लोग को दिख रहा था, आपको कैसे नहीं दिख रहा? आंसर और डिक्लाइन दो चीज़ दिखता है। अच्छा, जी तो दिखा नहीं इसलिए मैं तो उसको काट रहा था, लेकिन वो अच्छा अच्छा ऐप वाला आ गया, उसके अंदर शो क्या नंबर लिखा हुआ था और उसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं उससे चलता उससे हूँ। क्लास फिर बंद हो जाता है। हाँ जी ठीक है। तो स्टमक जो है, स्टमक क्या करता है? ये कार्डियक वाल होता है। इस वाल्व के खुलने से स्टमक के अंदर खाना पहुंच जाता है। ठीक, यहां तक हम पहुंच गए, क्लियर हो गया। अब स्टमक के भी तीन भाग हैं। ये मैं अभी मोटे तौर पे बता दूं कि तीन भाग हैं स्टमक के, पेट के। इसमें पहला वाला जो भाग है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये इसका पीएच मान यदि देखेंगे 3.2 से लेकर के 3.5 पीएच के आसपास रहता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज लिखी पड़ी है, तो आपको ये नोट करना होगा। इसका जो पीएच लेवल है बॉडी का, पीएच क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन, फुल फॉर्म बोलेंगे इसको। पीएच का वो बोलेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच मान कितना होगा इसका, पीएच लेवल कितना है, तो 2 से लेके 3.5। अब ये क्या करता है, खाने को जो हमने चबाया था उसको भी और बारीक बारीक कणों में कन्वर्ट करना है, इसको उसको भी पचाना है। तो जब हमने खाना अच्छे से चबा चबा के खाया तो ये भी अच्छे से आगे तक काम करेगा, खाने को मिक्स करेगा, और ये धच धच भी पेट जो है पूरा दबता है, जैसे हार्ट दबता है ना, इसके ऊपर भी दबाव पड़ता है, राइट। तो जैसे हम सांस लेते हैं ये भी ऊपर नीचे होता है, हिलता है, स्टमक भी हिलता है। ये मूवमेंटेबल है, मतलब नॉन मूवमेंटेबल नहीं, ऐसा नहीं कि डब्बे के अंदर कुछ जाकर के गिर गया और वो हो रहा है, ऐसा नहीं, ये मूवमेंटेबल है, मूवमेंट होता रहता है इसका। यहाँ क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसको खाने को और छोटे 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 कणों में बांटने का काम करता है। और एक और ये देख रहे हैं स्टमक में बीच में एक धारी सी लग रही है, तीन भाग दिख रहे हैं हमको। ये जो तीसरा भाग, जो नीचे का भाग यहाँ दिख रहा है, ये तीसरा भाग जो दिख रहा है, ये कैसे दिखाएं आपको, इसके अंदर तो
ये हाँ ये तीन धारी दिख रही है ना, एक ऊपर वाली, एक बीच वाली, एक तीसरी वाली। तीसरी वाली इसके नीचे छोटे छोटे कांटे वाला हिस्से की संरचना होती है, बीच वाले भाग में, सेंटर वाले पार्ट में क्या होता है, छोटी छोटी कांटे की जैसी संरचना रहती है, वो रूजी कहलाती है, रूजी। अब वो उसके अंदर खाना को रोकने का काम होता है, कांटे जैसी चीज है ना, तो खाना क्या हुआ, जब वो अंदर पेट में जाएगा, अंदर जाएगा तो वो तो ये यहाँ से क्या होगा, ये तो नली वाला हिस्सा है ना, तो पूरा खाना जा करके आगे कहाँ चला जाएगा, स्टमक, स्टमक के बाद में आगे कहाँ चला गया, ये देख रहे हैं, स्टमक से बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद में ये चला जाएगा, ये इधर गॉल ब्लैडर का हिस्सा दे रखा है, इधर ड्यूडिनम में, तो ड्यूडिनम जो दे रखा है, ड्यूडिनम में चला जाएगा। ड्यूडिनम यानी देखिए ड्यूडिनम क्या है, ये स्टमक है, पहले तो मैं आपको पूरा ही ऊपरी भाग बता देता हूँ, फिर इसके अंदर को कट कट के देखेंगे कैसे क्या है क्या अंदर, राइट। तो ये जो स्टमक है गोल गोल, ये स्टमक आपने देखा, स्टमक स्टमक ये आए, ये स्टमक हो गया, राइट। स्टमक से ये जो मुड़ा हुआ भाग नीचे की तरफ जाता हुआ देख रहा है, ये ही क्या कहलाता है, ड्यूडिनम। ये जो भाग है यहाँ से छोटी आंत जो शुरू होती है, तो छोटी आंत का जो और बड़ी स्टमक और छोटी आंत को जो जोड़ने का काम करता है, वो जो जॉइंट है वही ड्यूडिनम कहलाता है, क्लियर। ये ड्यूडिनम जो है, इससे खाना जैसी आगे बढ़ता है तो ये आगे जा करके नीचे इस छोटी आंत के अंदर चला जाता है। ये जो बीच बीच में गोल दिख रही है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है, ये गोल गोल जैसे घूमती सी दिख रही है, जैसे कुछ सांप, सीढ़ी के अंदर सांप लगे रहते हैं, ऐसी स्मॉल इंटेस्टाइन। एक और है इसमें जोजुनम, जेजुनम, जेजुनम, ये देखिए जेजुनम, जेजुनम, ये जेजुनम क्या करता है, जेजुनम ये है सेकंड पार्ट ऑफ अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर। इंटेस्टाइन के भी तीन भाग हैं, तो पहला तो ये ड्यूडिनम है ना, ये ड्यूडिनम पहला भाग, यहां से भोजन जब जाएगा इधर की तरफ घूम जाएगा, और ये जैसे ही यहाँ जाएगा तो यहाँ पर भोजन को उसमें फैला दिया जाएगा, क्या करते हैं, भोजन को फैला देते हैं, फैला करके उसके अंदर जो भी एंजाइम्स बाइल जो भी आते हैं वो सबको मिलाने का काम होता है भोजन का। तो ये जो मिलाने का काम हो रहा है, जैसे अपन अनाज बीनना होता है कि कंकड़ पत्थर बीनने होते हैं, कुछ चावल बीनने होते हैं, तो हम प्लेट में क्या करते हैं, फैला देते हैं उसको, फैला के फिर उसको बीन लेते हैं, कोई कचरा पट्टी उसमें है तो, आजकल तो साफ सुथरा आता है, पहले आ जाते थे तो उसको बीनते थे, आजकल बिने बिना आ जाए तो बीन लेते हैं। तो ये जो एरिया है जहां भोजन को फैला दिया जाता है, ये कहलाता है जेजुनम, क्या कहलाता है, जेजुनम, बस यही समझ लो। तो तीन हिस्से हुए, एक तो ड्यूडिनम, जेजुनम, छोटी आंत के तीन हिस्से हुए, ड्यूडिनम पहला, ये ड्यूडिनम, आप साथ में अंदर ही अपने मन के अंदर बोलते जाओ, ये पहला भाग ड्यूडिनम, कोई नींद में भी उठा के कोई पूछे तो मैं चाहता हूं कि आप बोल जाओ कि ये बोले थे, ये वाला है, फिर ये है जेजुनम, फिर एक और भाग आएगा तीसरा वाला, तीसरा वाला भाग उसका क्या नाम होगा, तीसरा वाला भाग यहाँ नहीं दे रखा, देखते कहीं लिखा होगा तो,
लिखा देता हूँ, कॉमन बाइल डक्ट हो गया, पेनक्रियाज हो गया, नहीं। तीसरा वाला भाग मैं ऐसे ही दिखाता हूँ आपको, ये बिली बोलते हैं, विलाई या बिली, कौन, ये देखो ये जो है ना छोटी आंत, ये बड़ी आंत में जाके मिल रही है, और यहाँ एक भाग लिखा है हाँ ईलियम, हाँ ईलियम को दिखा रखा है, ईलियम ये जो है ना, ये जो नली, ईलियम लिखा हुआ, आई एल ई यू एम, ईलियम लिखा है, एनएस के ऊपर वाला ईलियम एरो जा रहा है, ये नली जो है, एक जो नली यहां तक आ रही है ये ईलियम कहलाती है, यानी आंत का तीसरा वाला हिस्सा, छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है, उसके ऊपर लिखा जेजुनम, फिर नीचे आ गया ईलियम, ये ईलियम। अब ये जो ईलियम जहां एरो पहुंचा है, इसके जस्ट ईलियम के थोड़ा सा बाद में ये जहां लिखा है एक तरह से अवशेषी अंग कहलाता है, जिसको अपेंडिक्स बोल रहे हैं, अपेंडिक्स लिखा है ना यहाँ, अपेंडिक्स, ये है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स जिसके अंदर ये जुड़ रहा है, जिसके अंदर ये ईलियम जुड़ रहा है, ये दोनों जहां जुड़ रहे हैं वो उस भाग को क्या बोल रहे हैं, सीकम। ये यहां से बड़ी आंत शुरू हो जाती है, बस ऐसे समझो। तो बड़ी आंत का ये शुरुआत का हिस्सा है, ये मोटा वाला जो हिस्सा दिख रहा है अभी, तो ये छोटी सी पतली सी दिख रही थी ये नली नली, लेकिन अब ये बहुत मोटा हिस्सा दिख रहा है, ये मोटा मोटा, ये जो मोटा वाला हिस्सा दिख रहा है ये गोल गोल जैसा, अजगर जैसा, इधर तो पतला सांप था बेचारा, ये अजगर जैसा दिख रहा है, ये अजगर जैसे में ये सांप जैसा हिस्सा जो मिल रहा है, जो जिस जगह से मिल रहा है उसको विलाई बोलते हैं, इसमें नहीं दे रखा, विलाई या विली, यहाँ पर खाने का अवशोषण होता है, खाना पाचन के बाद, खाने का पाचन कहाँ होने लगा, सबसे पहले मुंह के अंदर हुआ है ना, वहां पर स्टार्च को तोड़ा गया, उसके बाद में प्रोटीन और वसा को यहाँ तोड़ा गया, स्टमक में स्टार्च को और प्रोटीन को तोड़ा गया, और ये जो जहाँ जेजुनम में इन सब को फैला करके उसके अंदर बाइल जूसेस को मिलाया गया, ये जो छोटी आंत है ये बोलती है मेरे को खाना नहीं पचाने का, मेरा काम खाना नहीं पचाना है, तो मैं तो खाना नहीं पचाऊंगी जब तक मेरे को शर्त रख दी उसने कि एसिडिक फूड आएगा तो मैं उसको नहीं पचाऊंगी, मेरा काम नहीं है, तो क्या करो इसको, क्योंकि ये सब जो कंटेंट हैं ये लीवर के अधीन आते हैं, ये लीवर के सहयोगी अंग हैं, खाना पचाने का काम तो ये बड़े भाई साहब बैठे हैं, इनका नाम है लीवर, लिखा ना लीवर, लीवर सेकंड ब्रेन है हमारे शरीर का, इसी के आधार पे सारा चल रहा है, इसके नीचे एक और भाई साहब हैं जिनके नीचे एक छोटी सी गोल गुंडी सी निकली दिख रही है, उसको बोलेंगे गाल ब्लेडर, गोल गोल नली की सी गाल ब्लेडर। तो गाल ब्लेडर क्या कर रहा है, ये बाइल जूसेस को बनाता है, बाइल जूसेस को बना के क्या करता है, ये ड्यूडीनम के वाले भाग के अंदर इसमें एक डक्ट के थ्रू, ये लेफ्ट डक्ट होता है उसके अंदर और राइट डक्ट होता है उसमें से जूस को निकाल के इसमें डाल देता है, इसमें ड्यूडीनम में और जेजुनम में उस रस को अच्छे से मिला करके खाने का पाचन होता है। तो बाइल जूस जो हैं ये होते हैं एल्केलाइन क्षारी होते हैं, और ये होता है ये जो हमारा स्टमक का जो पार्ट है ये
ड्यूडिनम यहाँ तक जो है, ड्यूडिनम के पहले तक एसिडिक फूड रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि खाना जब भी बाहर से आएगा तो गलती से आपने खाना नहीं चबाया अच्छे से, और कोई बैक्टीरिया या वायरस आप बैक्टीरिया आपके या पैथोजेनिक कंटेंट वो आपके उसमें आ जाएगा मुंह के अंदर, तो पेट में जाएगा, वो सबसे पहले उसका सामना किससे होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कितने पावर का है, वो कंप्लीट एसिडिक है, 2 से लेकर 3.5 का पीएच मान रहता है। ये ऐसा समझ लो कि 4 पीएच का है ना, आपकी उंगली पे डल जाए तो आपकी उंगली में छेद कर देगा, 3-4 के बीच का हो तो जला देता है, इतना खतरनाक एसिड है। चेहरे पे डल जाएगा तो चेहरे पे दाग कर देता है, निशान कर देता है। अब आप सोचो ये अंदर इतना खतरनाक चीज है कि इसके अंदर कौन बैक्टीरिया बचता है, फिर भी कई ऐसे हैं जो इस टेम्परेचर पे भी बच जाते हैं, जो अंदर बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, दर्द कर रहा है, और वो पोटी पे निकलते भी हैं कई बार जिंदे, है ना। ये तभी निकलते हैं जब हमारी ये स्टमक की अग्नि शांत हो जाती है, जिनकी भूख मरने लग जाती है, बिना भूख के खाना खाने लगते हैं, यानी कफ की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, पित्त की मात्रा कम हो जाती है आयुर्वेद के अनुसार, ऐसा बोले तो। तो हम आधुनिक विज्ञान पढ़ रहे हैं अभी, इसका आयुर्वेद का पक्ष ये है कि इसमें कफ पित्तवाद की दृष्टिकोण से दिखेंगे तो यहाँ पर कफ नहीं, यहाँ पित्त का बाहुल्यता रहती है। जो खाना पचता नहीं है उसका ही कफ बनता है। तो आपकी नली में कभी कभी कफ भरा रहता है, आप बोलते हो ये कफ कहाँ से आया, ये वही कफ है जो खाना पचा नहीं, वो कफ ने तब्दील हो गया और जो रूजी है उसके ऊपर आके जम जाएगा, तो भूख नहीं लगेगी। तो भूख नहीं लगती तो इसका मतलब सुस्ती आती है शरीर में, तो आपके कफ बढ़ गया है शरीर में। क्या बढ़ गया? कफ बढ़ गया। ये है पाचन का सिस्टम, मैंने कुछ आसानी से अभी हम सीकम तक, छोटी आंत तक पहुंचे थे, कौन से वाले भाग? ईलियम। तो हमारा सबसे पहला भाग आंत का, छोटी आंत का भाग ड्यूडिनम, फिर जेजुनम, उसके बाद तीसरा भाग ईलियम, और ईलियम का ही छोटा भाग है जहां पर खाना पच जाता है, मतलब यहां तक छोटी आंत में पूरा खाना पच चुका होता है, यहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो गया होता है। अब कुछ भी पचने का शेष नहीं, तब खाने का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कहाँ पर होता है? विली या विलाई में होता है। तो ये ईलियम का और छोटा भाग करोगे इसको काट के अंदर से और उसको जूम करके देखोगे तो उसमें छोटी छोटी उंगली के जैसी संरचनाएं होती हैं, छोटी 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 छोटी, उनके अंदर होते छेद, और ये जो खाने शॉर्टेस्ट पार्टिकल में, जो शॉर्टेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, 0 से 7 ओम तक, ओम्स तक के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, जो छूट गए, जो टूट गए 0 से 7 तक के, वो इसमें एब्जॉर्प्शन होंगे, और इससे बड़े जो रह गए वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो खाने में बड़ी आंत में फेंक दिया जाएगा, उस कचरा समझ के, वेस्ट मटेरियल समझ के। तो जो खाना बारीक हो गया था, जिसको हमने चबा के खाए थे, वो तो पचेगा, और जिसको चबा के नहीं खाया, बड़े थे, वो भाग नहीं पचेंगे, वो ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे। कई बार बच्चों के मूंगफली, बादाम, ये जो नट्स वाले पार्ट हैं, वो पोटी में बिल्कुल साबुत के साबुत निकल आते हैं, वो यही हैं, क्योंकि उनका पाचन तो होता नहीं है। बादाम का भी पाचन सबका नहीं होता, इसलिए नट्स वाले पार्ट को बोलते हैं घिस के खाओ, बादाम की गिरी को घिस के खाओ। तो इस तरह से काम चलता है। तो आज का हम यही अंत करते हैं, इसके और अंदर के
भाग को हम कल परसों देखेंगे, मतलब नेक्स्ट में जो भी क्लास होगी उसके अंदर इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस विली में क्या होता है, छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, यहाँ पर आके कफ जमा हो जाएगा तो खाना एब्जॉर्प्शन नहीं होता। आप देखते हो हमारा बच्चे का ग्रोथ तो हो नहीं रहा, बिल्कुल पतला दुबला, ऐसी शिकायत करते हैं और खाना इसको लगता ही नहीं, कुछ भी खाते ही और कुछ भी खाते ही ये पोटी जाता है। ऐसे कई बच्चों की शिकायतें लेकर के माँ बाप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। तो ये जो विली या विलाई है इसमें भी कफ जमा हो जाता है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन वाला जो पॉइंट है वो बंद हो जाता है, तो खाना अंदर प्रवेश नहीं करता। या फिर बच्चा या बड़ा या बूढ़ा चबा के ठीक से नहीं खाता, उसके कारण वहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वो खाने को बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम जल्दबाजी में जिंदगी भर ऐसे ही करते हैं, खाना जो कुछ भी डाला अंदर, कर बाय कई बार तो दही को दही और पराठे को रोल किया, उसके अंदर कुछ भी डाला और सुबह सुबह ड्यूटी पे जाना, काम पे जाना, कुछ लोगों को ऐसा ही होता है, दो बार इधर मुंह मारा, दो बार इधर मुंह मारा, ऊपर से पानी दही छाछ जो मिला और डाला अंदर पहुंचा दे। अब सोचो वो क्या कर रहे हैं, जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। तो उनकी कहानी बड़ी खतरनाक, अभी तो सब अच्छा है, ड्यूटी पे जाना है, काम पे जाना है, जल्दबाजी है, ऐसी जल्दबाजी के परिणाम उस दिन तो शरीर झेलता है और उसके बाद में शरीर की प्रकृति क्या है, कफ की है, तो कफ की प्रकृति में झेलने की क्षमता ज्यादा होती है। आपको पता है ना कफ पित्तवात में शरीर की प्रकृति क्या है, हमारे भारत में जो कफ की प्रवृत्ति है, इसलिए भारत के शरीर के आप पर आप कितना भी इसको श्रम ला दो, कितनी मेहनत करा लो, आदमी मेहनती होता है और पश्चिम का आदमी इतनी मेहनती नहीं होता है, वो तो खाता पीता ऐश करता है, सो जाता है, बस ये है उसको मतलब ये, या फिर मेहनत के नाम पे जिम में चले जाओ, ये जिमिंग करा लो बस, ये उसको मेहनत कहते हैं, तो वो मेहनत नहीं। तो आज की मुलाकात बस इतनी, कोई प्रश्न है तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, प्रश्नों के लिए मैंने आपको समय दे दिया है। कोई डाउट है इस संदर्भ में, आज जो हमने पढ़ा है तो आप पूछ सकते हैं, मेरी आवाज को क्या सुन पा रहे हैं आप लोग। ये बड़ा अच्छा नाम है, किसका नाम है, एस बी ये एस बी है या एस एट है, पता नहीं क्या है, सुलोचना बरोल। वो तो अच्छा है, देश भर के अंदर हर चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि मैंने बहुत कोई जल्दबाजी की, शानदार। हाँ बोलिए, एस बी बोल रही हूँ। वेलकम, आपका स्वागत है। अच्छा, इसको जो अभी आपने पढ़ाया इसमें आप जो टॉक्सिक जमने वाला किस तरह जमता है, अब आपने छोटी आंत का जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया तो एक बार उससे भी जोड़ के थोड़ा सा लिंक 5 मिनट में बता दो, जो अभी टॉक्सिक के बारे में आप बता रहे थे, जो ये विष बन जाते हैं जो 3 तरह के, उसको इससे जोड़ के बता दो।
तो ये समझ जाए, इसमें थोड़ा सा और टॉक्सिक का क्लियर हो जाएगा कि विलाई में और रूजी में किस तरह से अगर टॉक्सिक एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो कैसे परेशानी करता है। हाँ ये बात हालांकि मैंने बताया था, और इसको और डीप कर देते हैं। नहीं okay. अभी हमने डाइजेस्टिव पढ़ा तो इसलिए थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल कर, अभी तो इसके सेकंड चरण और आएगा, ये तो मोटे तौर पे मैं ले रहा हूँ, अभी तंत्र को खोल के भी देखना है ना सब टॉप जाओ। जी जी अभी जो सेकंड दूसरा चरण और आएगा उसके अंदर कौन कौन से वो देखना है कि एंजाइम कौन कौन से इसमें आएंगे। जो खाना तो आ गया यहाँ पे स्टमक में, अब खाने के अंदर ऊपर के जो वो तीन ग्लैंड, वो तीनों ग्लैंड से जो एंजाइम कौन कौन से निकले हैं उनका नाम क्या है, ये सारे नाम वाला अगले बार जो सेकंड चरण आएगा इसके अंदर बहुत कुछ पता लगना है। पेप्सी एंजाइम है, ये एंजाइम है, वो एंजाइम है, एंजाइम तो ढेर है, लेकिन मुख्य एंजाइम क्या क्या है हमको केवल मुख्य जानना है, बाकी एंजाइम तो आप हजारों एंडलेस है। तो अभी हम चर्चा करते हैं कि टॉक्सिक मटेरियल क्या है, इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। टॉक्सिक मटेरियल यही है जो बॉडी में पचता नहीं है, जो पचता नहीं है तो वो क्या बनाएगा, जो खाना जैसे पचेगा नहीं, जैसे सपोज करिए कि जो नाली के अंदर बह नहीं जाता खाना भोजन है ना, वो होता है भारी, और वो क्या होता है, वो सड़ेगा कहीं ना कहीं जाके, नाली के कहीं किसी कोने में जाके सड़ेगा, बदबू मारेगा, उससे क्या निकलेगा, गैस निकलेंगी, वो गैस तो आपको दिखती नहीं है, हवा को किसी ने देखा क्या, नहीं देखा, तो वो क्या बनाएगा, गैसेस बनाएंगे, वो गैसेस हमको दिखते नहीं है लेकिन उसके प्रभाव महसूस होते हैं। तो खाने को जब हम ठीक से नहीं चबाते या कोई बैक्टीरिया या वायरस या एसिडिक इन्वायरमेंट अंदर जाता है बॉडी के अंदर, या एसिडिक चीजें खा ली जाती है तो गैस के रूप में प्रोड्यूस होती है, और जो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हुआ है खाने वाला हैवी पार्ट है या हैवी पार्टिकल, ये सब के सब क्या बन जाता है, जो जिसको हमारा शरीर नहीं पचा पाता उसको पहला जो है, राजीव भाई ऐसे बताते थे, राजीव भाई भी बताते क्या, सारी दुनिया सारे डॉक्टर भी यही कहते हैं, तो राजीव भाई कहते थे इसमें बड़ा आसान से लोगों को ऐसे सिखाते थे। तो देखो भाई जो खाना खाया है, जो खाना खाने के बाद में जो पाचन नहीं होगा तो सबसे पहले वो गैस बनाएगा, गैस बनाने के बाद में उसके बाद सेकंड चरण में क्या होगा, क्योंकि हर बार हमको पता है कोई भी चीज सड़ान मारती तो वो हमने सबसे पहले गैस निकलेगी, गैस वो हमारे शरीर में घूमेगी, वो कोई ना कोई व्याधि पैदा करेगी, जो खाना पचता नहीं है वो कहीं ना कहीं बॉडी में जाके सड़ता है तो उसमें गैस बदबू सारी चीजें आएगी, तो वो आपके मुंह में भी गंदा आएगी, आप सोचोगे उसको मैं कुछ मुंह के अंदर एसिड वाला कंटेंट डाल लूंगा खुशबू वाला, उससे मुंह की गंध खत्म हो जाएगी, वो तो नहीं होगी, वो खाना जो अंदर सड़ रहा है वो ही उसका गैस ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो गैसेस हमेशा जमीन में से ऊपर की तरफ उठती हैं, तो आप भी सीधे खड़े हैं तो गुरुत्वाकर्षण का बल वही काम करेगा और ऊपर की तरफ गैसेस जाएंगी, और जो खाना नहीं पचेगा जो सड़ेगा तो क्या करेगा, सबसे पहला जो जहर बनाएगा उसका नाम यूरिक एसिड, कैसे बोलते थे राजीव भाई, कि दूसरी कहते थे, देखो भाई ये यूरिक एसिड एक इकलौता ऐसा है जो सबको बेड पर पहुंचाने का काम करता है, इतना बेड है ये इतना बेड है कि बेड पर पहुंचा देता है आदमी, ये अकेला ही काफी है, ये क्या क्या कर सकता है, अंदर गया तो पथरी जमाएगा, उसके बाद और आगे बढ़ गया जोड़ों में चला गया तो ये आपके वहां पर भी कुछ ना कुछ अंदर जो कफ है जोड़ों का उसको सुखाएगा, उसको कंटेंट को ऐसे बदल देगा, उसके अंदर छोटी छोटी पथरियों में बन जमा कर देगा, और फिर वो कंकड़ पत्थर जैसे आपके जो जोड़ों में हिलेंगे, मुंह कराएंगे अपन पैरों को हाथों को जोड़ों को, ये हड्डी को घिसने का काम करेगा, कार्टिलेज हड्डी को घिसेगा, फिर ये घिसने के बाद में आपके जोड़ों के दर्द शुरू हो जाएंगे, जोड़ों के दर्द अब आप उसको नाम कुछ भी देते तो रूमेटॉइड या आर्थराइटिस या कोई भी नाम देते रहो, लेकिन ये कहानी यूरिक एसिड से ही शुरू होती है,
उठाना, एक इकलौता एक ऐसी इतने सारे खेल कर जा रहा है आपको बेड पर लाने के लिए काफी है। सोचो 103 और इसके कुनबा है, 103 भाई बंद है, उनका क्या नाम है, LDLBLDLHDL ऐसे करके बहुत सारे 103 और है, ऐसे बता दो राजीव भाई। ये एक इकलौता आपको ये करता है, सिर्फ आपकी एक गलती की सजा पूरे शरीर को मिलती है, दांतों की मुंह की सजा, पूरे ठीक से चबा नहीं है और लार उसमें मिक्स नहीं हुई है खाने की, उसकी सजा मात्र पूरे शरीर को मिलती है। तो 103 प्रकार के जहर और पैदा होते हैं, वो सोचो और क्या करेंगे, यूरिक एसिड ने हमारा हाल ये कर दिया, तो बाकियों का जब नंबर आएगा कि भाई वो अपने ड्यूटी पर आएंगे तो क्या और कर डालेंगे, ऐसा करके वो बता देते। ये जो वेस्ट मटेरियल जो इकट्ठा होता है बॉडी के अंदर, यही स्टमक में जो वेस्ट बच गया था वो रूजी में जाके फंस जाता है, क्योंकि इसका पाचन तो हुआ नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, जब अपन आटा गूंथते हैं, आपका अनुभव अच्छा है, ज्यादा है, मेरे से ज्यादा अनुभव है, आप सभी अनुभवी हैं, मैंने तो इतना ज्यादा आटा गूंदा नहीं है। जब रोटी बनाते हैं अपन, चपातियां बनाते हैं, तो आटा जो गूंदते हैं, आटा गूंदने के लिए आटे में पानी डालते हैं और भी कुछ नमक वमक कुछ मसाले लोग भी डालते हैं आटे में और फिर उसको गूंदना शुरू करते हैं, तो जितनी उसमें लोच लगाते जाते उतना सॉफ्ट हो जाता आटा, ये मैंने महसूस किया, और उसकी रोटियां भी उतनी ही सॉफ्ट बनती हैं और अच्छी बनती है और जल्दी से उसका पाचन भी इजीली होता है। ये मेरा अनुभव है, आपका कुछ और हो सकता है क्योंकि आपके बड़े अनुभव हैं, मैंने तो कम रोटियां बनाई हैं, आपने तो ज्यादा अनुभव, तो ये हम इस तरह से उसको देख सकते हैं। तो जैसे ही हम आटे को जितने ज्यादा लोच देते हैं उतना ज्यादा सॉफ्ट होता चला जाता है, और एक टाइम आता है कि वो आटा आपकी प्लेट में चिपकना बंद कर देता है लोच लगाते लगाते, चिपकना बंद कर देता है। तो ये जो चिपका हुआ भाग था, ये शुरुआती दौर का जो आटा था वो चिपक जाता था, यहाँ वहां कभी हाथ में भी चिपकता था, लेकिन गूंदा हुआ आटा फिर न तो हाथ में चिपकता है, हाथ भी इतने ज्यादा नहीं चिपकता, जितना ज्यादा उसमें लोच लगेगी उतनी उसकी चिपकने की क्षमता खत्म हो जाएगी, वो उसमें लेस पैदा हो जाएगी अच्छी। तो ठीक ऐसा ही भोजन जब हमारे पेट में होता है जो अध कच्चा है अध पक्का है, जो चिपकता है ये विलाई में जाके टॉक्सिक मटेरियल के रूप में चिपकने लग जाता है। एक जो मैदा वाली चीजें खाते होते ये चिपक जाता अंदर जाके उस रूजी में और विलाई में, तो जहां पर ये नलियों का मोड़ होता है मोड़ वाली जगह में भी चिपक जाता है, तो जगह जगह शरीर में जाम लगाने का काम करता है, यही टॉक्सिक मटेरियल है। कहीं बड़ी अवस्था में चिपकाया तो कहीं छोटी अवस्था में चिपकाया, कहीं ब्लड के अंदर चला गया तो कुछ और कहीं जाकर के चिपक गया, कहीं और किसी नाम से जाना जा रहा है, ब्लड में चला गया तो कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड के नाम से जाना जा रहा है, बिलाई में ये इधर रूजी में चिपका हुआ है तो आप उसको कप बोल सकते हैं, या वेस्ट मटेरियल टॉक्सिक मटेरियल अंग्रेजी में बात करोगे तो बोल सकते हैं। तो जहां जाओगे वहां अलग अलग नामों से आप उसको संबोधित कर सकते हैं, लेकिन है तो वही कचरा जो आपने खाया था, वो चाहे वो ब्रेड बटर के रूप में हो, बटर तो निकल जाएगा लेकिन वो ब्रेड अंदर मैदा जो है फेविकोल का जोड़ की तरह चिपक जाता है। इसी जोड़ को कई अपनी साधारण भाषा में लिकी गट भी बोल देते हैं, तो ये है कहानी, जितनी चर्चा करो उतनी है बहुत कम। किसी विषय से जुड़ा हुआ कोई हो आपका सवाल तो आप ले सकते हैं, अन्यथा मैं बंद करता हूं। आज BSNL वालों की बड़ी कृपा रही, धन्यवाद के पात्र हैं वो, कि वो इतना अच्छा नेटवर्क दे रहे हैं, पहले तो दे ही नहीं रहे थे, सुबह से तो बंद पड़ा था।
और उनको अच्छा उनको पता लग गया कि आज क्लास का टाइम हो गया, चलो चालू कर दो। दादा पहाड़ों में BSNL ही चलता है। हाँ ये बात है, पर यहाँ तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि BSNL।